नमो अरहंतारम नमो सिद्धारम नमो वाह्यारम नमो वज्रायारम नमो लोहे सवसाहुलम शुद्धात्मान मनेकांतम साधुमुत्तम मंगलम वंदे संदृष्टि सिद्ध्यर्थम संदृष्ट्यर्थ प्रकाशकम मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणि मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्त मंगलम सर्व मंगल मंगलम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्व धर्माणाम जैनम जयतु शासनम मंगलमय मंगल करण विपराग विज्ञान नमः सायाते भये अरहंताद महान। प्रयोजन भूत तत्वों के समझने के लिए जिज्ञासा न होना यह भी अज्ञान ही है। अनादिकाल से प्रयोजन भूत तत्वों के ज्ञान के बिना यह जीव दुखी रहा। यह अज्ञान आजकल का नहीं है, अनादिकाल का है। और अनादिकाल का अज्ञान है, इसका भी एक अर्थ समझना चाहिए। किसी दूसरे के द्वारा तुम्हें अज्ञानी नहीं किया, अनादि में दूसरे हेतु का कोई कारण नहीं। क्यों भाई, दाल बादाम पर छिलका क्यों होता है? होता है, निकालने लायक है, वो बात अलग है, लेकिन होता है। क्यों का क्या प्रश्न? आम में थोड़ी खटास क्यों होती है? होती है। कोयला काला क्यों होता है? सोना पीला क्यों होता है? आत्मा और शरीर भिन्न भिन्न क्यों है? क्यों क्यों करती रहोगे? अतर्को स्वभाव भिन्न है, समझने लायक। किसी में मिला, कोई मिला नहीं सकता। पहले क्या चाय दूध में पानी मिला सकते हो? कोई दूध में पानी मिला नहीं सकता। अरे तमाम मिलावट करते हैं कि यही तो कह रहे हैं, दूध में पानी मिलने पर भी पानी दूध रूप नहीं होता, दूध पानी रूप नहीं होता। पानी पानी है और वो पीने वाला है, देखने वाला है, भैया आज पानी कार को मिला लिया, इतना पानी डाल दिया। इसका मतलब यह है कि मिले होने पर भी अलग अलग है। शास्त्रीय भाषा में कहें तो संयोग संबंध होने पर भी तादात्म्य संबंध नहीं। कर्ता कर्म निमित्त निमित्त संबंध होने पर भी कर्ता कर्म संबंध नहीं। जब सोने का आभूषण बनेगा तो स्वर्णकार निमित्त होगा, लेकिन बिना सोने के कोई स्वर्णकार कौन आभूषण बना देगा? अहंकार से भरा होने पर ही हम करते हैं। ज्ञान होगा तो ज्ञानी गुरु निमित्त होगा, अज्ञानी नहीं निमित्त होगा। लेकिन ज्ञानी गुरु भी निमित्त ही होगा, वो तुम्हें जबरन ज्ञानी नहीं बना देगा। ज्ञानी तुम्हें होना पड़ेगा। इसका अर्थ क्या है, समझ गए? ज्ञानी तुम्हें होना पड़ेगा मतलब तत्वों को उपदेश सुनकर के निर्णय तुम्हें करना पड़ेगा। अपना उपयोग अंतर्मुख करके आत्मानुभव तुम्हें खुद करना पड़ेगा, ये कोई दूसरा नहीं करे।
अनुभव भी तुम ही कर ले। लौकिक में भी ऐसा नहीं होता, एक काम करो भोजन तुम ही कर लो तो तुम्हारा पेट भरेगा। हमारा पेट कैसे भरेगा? रोग हुआ है कल भी हो सकी तुम ही खा लो, तो तुम ही खा लो तो दूसरे का रोग कैसे ठीक होगा? तुम्हें धर्म कर लो, तुम्हें मोक्ष मार्ग में लग जाओ, हम तो ऐसे ही ठीक है। अरे भैया वे करेंगे तो उनके लिए है, तुम करोगे तो तुम्हारे लिए। इसलिए क्यों क्यों मत करते रहो, इस बात को भली प्रकार से समझो, स्वरूप अन्यथा नहीं होता। एक और भ्रांति है, जब स्वरूप कहा जाता है तो लोगों को ऐसा लगता है कोई आत्मा का ही स्वरूप होता है। स्वरूप स्व सर्वनाम है, सर्वनाम उसे कहते हैं जो संज्ञा के बदले में बोला जाए। संज्ञा अलग अलग होगी तब रूप अलग अलग होगा। आश्रव का स्वरूप, संबर का स्वरूप, नजरा का स्वरूप, कसायों का स्वरूप, इतनी देर हमें क्यों लगी? हम लेट नहीं हुए, ध्यान रखना। ये व्यवहारों की कमी है। हम आपसे कितने दिन कहती कहती हो गए चुप रह जाती, ठीक है लेकिन अच्छा व्यवहार नहीं है। यारी मस्करी का काम नहीं है, भगवान का शासन गंभीर है और गंभीरता से ही लेना चाहिए। रेडीमेड कपड़ा फिटिंग बैठ या नहीं बैठ जा, तो रेडीमेड व्यवस्थाएं कोई जिज्ञासा नहीं उस काम में आगे बढ़ने की, उस कार्य कुछ नहीं। हम कहते रहे श्रेय काम खुद करो, श्रेय दूसरों को दो, और बस श्रेय अपन ले उकार दूसरों को छोड़ो। ये व्यवस्थाएं अच्छी नहीं है भाई। बस सुना जाओ, सुनाती रहो सुनाती रहो। बस भैया हम वहां से सुनाने आ गए, तुम वहां से आकर के तो कम से कम सुन लो, हो सकता ही नहीं दो दो मिनट। बिल्कुल रेडीमेड चलो, अच्छी व्यवस्थाएं नहीं है, अच्छी व्यवस्थाएं। आए बैठे उठे चले, सोचो तो कुछ कर्तव्य है हमारा। देव पूजा, गुरु पासी, स्वाध्याय, संयम, तप। हम आपसे इतने दिन में यही तो कह रहे हैं, अहम में मत पड़ी रहो, मिथ्या अहंकार को तोड़ो, अनादि काल के लगे मोह को अब तो तोड़ो भाई। इस मिथ्या अहंकार का नाम ही मोह है। मिथ्या अहंकार का मतलब जो अहम नहीं है उसे अहम मानना। अहम संस्कृत कहते हैं, हिंदी में मैं कहते हैं। जो मैं नहीं है उसे मैं मानना, और जो मेरा नहीं है उसे मेरा मानना। ठीक है हम भी छद्मस्थ जीव हैं, थोड़ा बहुत विकल्प आ जाता है, अच्छी बातें नहीं है। पर रच से सुनना ये न सुनने से भी ज्यादा खतरनाक है। स्वरच से सुनो भाई, जो स्वाध्याय नहीं करते उनकी बात नहीं कह रहे, सुनते नहीं उनकी नहीं कह रहे। स्वाधीन उपदेश दाता गुरु का योग बनने पर भी जो जिन वचनों को नहीं सुनते वे बड़े ढीठ हैं, दुष्ट चित्त हैं, जिस संसार भय से तीर्थंकर डरे उसे नहीं डरते बड़े सुवर। ठीक है ना, क्या लिखा? स्वाधीन उपदेश दाता गुरु का योग बनने पर भी। स्वाधीन उपदेश दाता क्या होता है?
स्वाधीन नाम बीतरा का है, बुद्ध वीर जिन हरे हर ब्रह्मा या उसको स्वाधीन उपदेश दाता किसका नाम है, जो वस्तु के स्वरूप को स्वाधीन समझ रहा है, वस्तु व्यवस्था को स्वाधीन समझ रहा है, पराधीन नहीं। और स्वाधीन इसकी चर्या है, स्वाधीनता की दृष्टि और स्वाधीनता का दृष्टि माने श्रद्धान, मोक्ष मार्ग में दृष्टि माने दर्शन नहीं, सामान्य अवलोकन नहीं, श्रद्धान। मोक्ष मार्ग में सामान्य अवलोकन दर्शन का अर्थ क्यों नहीं लिया, सामान्य अवलोकन संसार मोक्ष का कारण नहीं है, इसलिए सामान्य अवलोकन यहाँ इसका अर्थ नहीं लगता जहाँ मोक्ष मार्ग। और समझ लेना चाहिए, देव दर्शन में दर्शन का मतलब श्रद्धान लेना चाहिए, खाली अवलोकन नहीं, देख दिया बस मूर्ति तो बढ़िया है। श्रद्धान इस जिन प्रतिमा को देखो, यही तो हमारा स्वरूप है, यही तो हमारा साध्य है, यही तो सुख की विधि है, सुख का उपाय है, यही तो मोक्ष मार्ग है। क्या परिग्रह का त्याग, कर्तव्य का त्याग, अपनी ओर देखना, स्थिरता, चंचलता, भ्रमण नहीं, स्थिर, यही तो मोक्ष मार्ग है। हमारे बच्चों की एक आदत होती है युवा वर्ग की, विशेष रूप से काम करेंगे, सवेरे भी हमने कहा था आयोजन में तो सब तैयार और सब कामों में तैयार और स्वाध्याय में गायब। भैया स्वाध्याय के लिए तो आयोजन होते हैं, और काम आगे पीछे करो और उतने टाइम तक वहां बैठ जा, सब लोग सब बैठ जा, अभी हम क्या कह रहे थे, स्वाधीन उपदेश दाता, स्वाधीनता पूर्वक उपदेश दे रहे, स्वाधीनता का अनुभव कर रहे, वस्तु स्वरूप को स्वाधीन ही देख रहे। और स्वाधीनता पूर्वक उपदेश का मतलब मनमानी नहीं है, लेकिन देखो आपने पुराण पढ़े होंगे, बहुतों की भीड़ पहुंच गई, राजा पहुंच गया और मुन्ना ध्यान में मग्न है तो मग्न नहीं हुआ उपदेश, और वो सिंहों को सुनाने पहुंच गए, 66 दिन वाणी नहीं खिली तो नहीं खिली, ये स्वाधीनता ही तो होता रही भाई, और जब खिल गई तो खिल गई, मनमाने ढंग से नहीं। अपने आत्महित को प्रमुख रखना, आत्महित से जब उपयोग बाहर जाता है तब उपाध्याय आचार्य आदि के परमेष्ठी भगवंतों के स्वरूप में लिखा, मुख्य रूप से स्वरूपाचरण में मग्न रहे, जब वहां नहीं रह पाते हैं तब वो उपदेश दीक्षा शिक्षा प्रतिक्रमण प्राश्न जो कुछ भी हो जाए तो हो जाए, गैर जिम्मेदारी नहीं है, हो जाए तो हो जाए, पहुंच गए तो पहुंच गए, नहीं पहुंच गए तो नहीं पहुंच गए, ऐसी गैर जिम्मेदारी नहीं। ध्यान रखना मुंडा नहाते नहीं है, ये उनका गुण है, और आप नहाओगे नहीं तो तुम्हारा अवगुण है। ठंड का दिन थे, बच्चे से कहा माने बेटा नहा लो, बच्चे को जाने क्या मना गया, बोले मुनि महाराज भी तो नहीं नहाते, माँ बोली बेटा मुनि महाराज पाप भी तो नहीं करते, ये क्यों नहीं सोचते, वे खड़े खड़े आहार कर रहे हैं उनका गुण है, और तुम खड़े खड़े खाओगे तुम्हारा अवगुण हो गया, क्यों तुम आसक्ति और स्वाद के वशीभूत होकर खा रहे हो, तुम किसी और बात को सोच रहे हो, अरे अब चीज खराब हो जाएगी, कौन बैठे बैठे हैं, चलो खड़े। और मुन्ना गुण है तो गुण क्या है, खड़े खड़े खाना गुण नहीं है, खड़े खड़े खाते समय भी
उनके अंदर में जो भेद ज्ञान है, भीतराता है, वह गुण है। उस भीतराग भाव से आसक्ति, अनासक्त भाव से जो भोजन कर रहे खड़े खड़े, तो खड़े खड़े भोजन करना भी उनका गुण है। ज्ञानी होने से पहले ज्ञानियों की नकल मत करना, पहले ज्ञानी होना। वस्तु स्वरूप को स्वाधीन ही देखते हैं, स्वाधीन ही अनुभवते हैं, उनकी चर्या भी स्वाधीन है, ऐसे स्वाधीन उपदेश दाता। और उन्होंने उपदेश में क्या किया, जिसने बताया विश्व को कण कण स्वयं, उपदेश भी इसी का दिया। स्वाधीनता का तो उपदेश दिया, और काई का उपदेश दिया? क्यों, स्वाधीनता सुख, पराधीनता सुख, तो स्वाधीन उपदेश दाता, स्वाधीनता का ही उपदेश दिया है। ठीक है, कण कण प्रत्येक परिणति परिणति स्वतंत्र है, और स्वाधीन होने का ही उपदेश है। हे जगत के जीवो, रागादि के वशीभूत होकर के तुम पराधीनता का अनुभव मत करो, रागादि को छोड़कर स्वाधीनता। अगर ये नहीं मानने के लिए स्वतंत्र है, तो हम भी अपना कल्याण करने के लिए स्वतंत्र हैं। जे कौन ने ठेका ले दिया कि हाँ, सुनाया, तुम नहीं सुनने के लिए स्वतंत्र हो, सारा घर सारा समाज, तो हम भी मौन रह करके अपनी आराधना करने के लिए स्वतंत्र है। ये भ्रम में मत रहना, ये मत सोच लेना कछु नहीं हो। स्वाधीन होने के लिए उपदेश है, होने के लिए अर्थात स्वाधीन समझने के लिए है। तो अभी भी स्वाधीन, कितने स्वाधीन, क्या दृष्टांत दिया था तुम्हें, जिस समय रोग बीमारी के कारण करवट भी नहीं बदल सके, उस समय भी उपयोग बदल करके अपना अनुभव करने के लिए स्वतंत्र है। करवट नहीं बदल सकते, लेकिन समाधि कर सकते, साधना कर सकते। जब घोर उपसर्गों में साधना हो सकती, तो तुम्हारे क्या है, तुम्हें क्यों नहीं हो सकती? स्वदृष्टि से हो सकती है, पर दृष्टि से नहीं हो सकती। तुम्हारी ये बहानाबाजी इसलिए, घर में कुछ नहीं, फलाना कुछ नहीं, अरे छंद में लाइन लिखी है भाग्य प्रमोद में, जिनके घर माए सधी न कछु और के बन माए कहा। जंगल में जानवर भी रहते हैं, जंगल में जाने से कल्याण थोड़ी हो जाएगा, अंदर में मंगल देखने से कल्याण होगा। जंगलों को निर्जन कहा है, निर्जन तो नहीं कहा, जंगली जानवर रहते हैं वहां, और जंगली जानवर को समझते नहीं है कि ये क्या कर रहे हैं, और अपनी धुन में लोमड़ी बोल रही है, शेर दहाड़ रहा है, हाथी चिंगाड़ रहे हैं। जंगल में तुम सोचो शांति मिल जाए, नहीं मिलेगी। भेद ज्ञान के बिना जंगल में भी शांतता नहीं है, और भेद ज्ञान हो तो कहीं अशांतता नहीं, कहीं भी अशांति नहीं। अज्ञानी कहते हैं कोई व्यवस्था नहीं है, हम कहते हैं विश्व में कोई अव्यवस्था नहीं। भगवान राम परिग्रह की रुचि उन्हें ही होती है जिनकी नरक गति बन रही है, बोलो, जिनकी नरक गति बन जाती है उनको संयम के भाव नहीं आते, डर लगता है, गति बन गई।
तो स्वाधीन होने के लिए उपदेश है, होने के लिए अर्थात समझने के लिए। हे भैया तुम स्वाधीन हो, पराधीन मान बैठे। एक बार क्या हुआ, बहुत छोटे बने की बात है, इस बच्चे घर में चोर घुस गए, ऊपर मैं बाहर आदमी सोते थे ऊपर छतों पर, महिलाएं सोती थी, गर्मी के दिन थे, हमारी हमारे सामने की बात नहीं, मुझसे पहले की बात है। घर में चोर घुसा, खटपट हुई, उन्होंने कहा देखो भैया कोई आदमी है, तो ऊपर से किसी ने मां ने किसी ने कहा होगा भैया किवाड़ लगा दो, बाहर की शाखा लगा दो। अब चोर भीतर बन, उसमें बीच में दहलीज में, इधर के किवाड़ लगे, इधर के किवाड़ लग गए, उसने सोचा किवाड़ लग गया, तो दोबारा उसने झांका, महिला ने किवाड़ लगाए नहीं और इतना कहा, चोर ने खोले और बंद, किवाड़ लगे नहीं थे, ऊंट बंधा नहीं था, लेकिन बंधा हुआ मान लिया। और खोले और बंद, हमने पराधीन मान लिया है, पराधीन हुआ नहीं। जब स्वरूप स्वाधीन है तो फिर पराधीन कैसे हो जाएगा? स्वरूप को समझे बिना हमें पराधीनता का अनुभव होता है। एक भाई बीमार हो गया, ताकत नहीं रही हाथ से पानी उठाने की, गिलास उठाने की, उसको चम्मच से वहां पानी डाले तो पानी पिए बेटा। उसे देखने से आदमी गया तो आंखों में आंसू आ गए उसके, भैया अब तो पराधीन हो गए, एक एक गिलास पानी के लिए पराधीन है, खाने के लिए पराधीन है, पराधीन हो गए। साधर्मी बोला भैया पराधीन हो गए के पराधीन मान लिया, अरे गिलास लेने के लिए तो पहले भी पराधीन थे और उपयोग बदलने के लिए आज भी स्वाधीन। बेटा पानी पिया, अब बेटे ने सुनी नहीं, अब दुखी हो रहे, क्या करें, सब पराधीन काम है, पहले कुएं से भर के लाते थे और खुद पी लेते थे, और अब ये रखा है और उसको नहीं पी पा रहे, बेटा पानी पिला। तो पानी के उठाने का और पीने का कार्य पराधीन है कि स्वाधीन? पहले भी पराधीन है, पर का कार्य है कि अपना कार्य? तुम्हें पराधीनता का वेदन इसलिए होता है, वेदन न कहें दुर्वेदन कहें, कि पर के कार्य को तुम अपना कार्य मान बैठे। एक बीमारी और हमारे त्यागियों में हो गई। क्या बीमारी हो गई? ऊपर वाले त्यागी नहीं, नीचे वाले। हम तो अपनी रोटी बना लेंगे, हम तो स्वाधीन, रोटी बनाने में स्वाधीन हो रहे हो, गुरुओं के अनुसाधन में रहो आनंद से, रोटी मत बनाओ, रोटी बनाना स्वाधीनता नहीं है। ये हम तो अपना कमा लेंगे, हमें नहीं जरूरत की थी, ये कमाने में स्वाधीन हो रहे हो, ये पैसा नहीं कमा पाओगे, हमारे पास तो पैसा, हम तो स्वाधीन, हम किसी के अधीन नहीं। अरे ये अभिमान छोड़ दो भैया, अभिमान छोड़ दो, साधर्मियों को साधर्मी समझो और अपने अंतर की भेद ज्ञान के पूर्वक समता को बढ़ा। एक के पास पैसा नहीं है और एक के पास पैसा है, तो पैसा वाला सोचा हमारे पास तो पैसा, हम कौन पराधी, और वो पैसा नहीं है, वो सोचा क्या करें, अब खवाएंगे तो खाएंगे, या अब बया से कहा चले, पैसा तो है, पैसा के बिना पराधीन, पैसा से स्वाधीन होती है के तत्व ज्ञान से स्वाधीनता, बोलो पैसा से पराधीन स्वाधीन होती है के तत्व ज्ञान से?
अरे हम फिर पूछ रहे हैं, ध्यान से सुनो। पैसा से स्वाधीन होते कि तत्व ज्ञान से? स्वाधीन होते नहीं है, हैं। तत्व ज्ञान से स्वाधीनता का ध्यान हुआ है। हमारे यहां भेद विज्ञान शब्द है कि भेद भेद शब्द है? भेद तो था, भेद का विज्ञान हो गया। तो हम ये कह रहे थे स्वाधीन उपदेश दाता गुरु, जो अपने को स्वाधीन देखता है, वस्तु व्यवस्था को स्वाधीन देखता है, उसे ही गुरु कहते हैं। और स्वाधीन देखता है तो उसे न खेद नहीं होता, ठीक है भैया नहीं मानी तो तेरा द्रव्य, इसी प्रकार परिणमित हुआ हम क्या करें, नहीं मानी अब नहीं मानी तो हम क्या करें, हमारा क्या दोष है, अब मान ली तो हमारा क्या कर्तव्य तो उसमें, नहीं माने तो सहज योग्यता, माने तो फिर सहज योग्यता। अपने कर्तव्य को हम क्यों जोड़ रहे, हमने मनवा दिया, हमारी नहीं मानी, इंसल्ट हो गई। अरे कैसी बातें सोचते हो, तुम्हारी इंसल्ट तुम न मानने से नहीं हो रही है, तुम नहीं मानो हमारी इंसल्ट नहीं है, लेकिन मनवाने के भाव से हमारी इंसल्ट। वादराज मुनराज ने क्या कहा था, ये शरीर हमारी नहीं मान रहा, देखो कोर रूप पर्ण में तो रहा, इसमें अपमान क्या है, अगर इस समय संक्रेश परिणाम करें इसमें जुड़ान हो गए, ये हमारी आत्म के अहित विषय कसार, इनमें मेरी परिणति में या उपयोग में जुड़े, बस खत्म। अब वो तो परिणमन करेगी शुक्र है ना, हम क्या करेंगे। तो स्वाधीन उपदेश दाता स्वाधीन है वस्तु स्वरूप, स्वाधीन ही समझते है, इसलिए आनंद में रहते। पर का लक्ष्य करके दुखी होते ही नहीं, पर को भिन्न जान करके आनंद में रहते अपने आप, अपने से अभिन्न अपने माना। ये लड़का नहीं मानता, ये बहु नहीं मानती, ये फलाना नहीं मानता, तुम नहीं मानते। अरे मूढ़ो विचार करो, नहीं मानते तो अभी वहीं मर रहे हो, तो अभी तुमसे यहां से निकला नहीं आता। रोटी बना लेंगे, रोटी बना रहे स्वादी, तुमने क्या समझ लिया रोटी बनाना तुम्हारा कार्य है क्या, और ये अहंकार है तुम्हारा, हाथ नहीं चलेंगे तो नहीं चलेंगे, रोटी नहीं बनाने। हम भी तुम्हारी उम्र पर जैसे कभी कभी गुस्सा आ जाती खाने पीने, तो हम तो बना लेंगे अपन। तो भाई बोली भैया बनो बनाओ तो खाओ, नहीं जा रहे हो बना ले, लेकिन बना बनाया तो तुम खा नहीं पा रहे, बना लोगे बना के खा लोगे, ये कैसी जल गई, ये फला नहीं हो गई, जब बनाओगे तो पता पड़ेगा कैसे। आमती कसार मत करो, कसार छोड़ करके आनंद के काम करो। कसायों की मंदता में धर्म ध्यान समझा जा सकता है, तत्व ज्ञान समझा जा सकता है, कसायों की तीव्रता में समझा भी नहीं जा सकता, समझ में ही नहीं आ रहा। हाँ तो क्या कह रहे थे, स्वाधीन उपदेश दाता गुरु का योग बनने पर भी जो जिन वचनों को नहीं सुनते, नहीं सुनते का अर्थ क्या बताया था हमने आपको, बाजार वालों से कह रहे जो सुनने नहीं आए, तुमसे कह रहे नहीं सुनते, नहीं हम तो रोज सुन रहे हैं, दोनों टाइम सुन रहे हैं, तीनों टाइम सुन रहे हैं, हम तो खूब सुन रहे हैं। अरे भैया नहीं सुनते का मतलब ये है अनसुनी कर रहे, नहीं सुनने का मतलब क्या, अनसुनी।
पिताजी ने किसी कार्य के लिए कहा और बेटा अपने काम में लगा रहा, जो कर रहा है सो ही कर रहा है, जो डर रहा है सो ही डर रहा है, तो ज्ञान सुनी है तो नहीं सुनी? सुनी नहीं भैया तुमने? वो तो पिताजी क्या कहेंगे, सुनी नहीं तुमने? हाँ सुन लिया आपने ये कहा, अरे शब्द सुन लिए तुमने, अभिप्राय नहीं समझा। सुनिए तब कहा जाएगा जब उस दूसरे कार्य से विमुख हो करके उस कार्य करने के लिए सन्मुख हो जा। कार्य कर लो ये नहीं, बड़ी भूल हो जाती है, बेटा पानी ले आओ, कब सुनी कहा जाए कि पानी ले आए? अरे झूठी बात, झूठी बात है। वो अपनी कापी बंद करे और आकर के खड़ा हो, हाँ पिताजी कैसा पानी, कितना पानी, किसके लिए पानी? अरे जी मेहमान आ गए, इनको पानी पिलाना है और हाथ हाथ धोएंगे। अब समझ लो आप, एक बाल्टी में बांध लिया, एक जग में लिया और कुछ प्लेट में नाश्ता भी लिया, सब क्या करोगे? अब 10 मिनट 15 मिनट लगेंगे कि वैसे ही पानी ला, सुबह उस टंकी में से बाहर हाथ धोने की पानी है, उसमें से मग्गा भर के दे दो, दे पानी। लेकिन सुनी नहीं उसने, सुनी बिल्कुल सुनी, क्यों? कि वह अपने उस कार्य को छोड़ करके पानी के सन्मुख हो गया। अब पानी लाने में जितना टाइम लगे लगे, कोई बात नहीं। ऐसे जगत से विमुख होकर के आत्महित के सन्मुख हो गया, उसने भगवान की वाणी सुनी, और जो आत्महित के सन्मुख नहीं हुआ, कोई जगत के कार्यों में बड़ी झगड़ा में मगन है, नहीं सुना, सुनते हुए भी नहीं सुनते। जैसे सम्यक दृष्टि जगत के कार्यों को करते हुए भी नहीं करता, ऐसे मिथ्या दृष्टि धर्म कार्यों को करते हुए भी नहीं करता। अंतर की रुचि आना चाहिए। मानो किसी और ही की बातें और से क्यों कर रहा है? तो नहीं सुनने का मतलब है अभी सन्मुख भी नहीं हुआ, वही मगन बैठा है। तो स्वरूप केवल आत्मा का ही नहीं है, जीव का स्वरूप, अजीव का स्वरूप, आश्रव का स्वरूप, बंध का स्वरूप, संवर का स्वरूप, निर्जरा का स्वरूप, मुक्त का स्वरूप, कसायों का स्वरूप, पापों का स्वरूप। आप क्या समझ रहे हो? ये इनका स्वरूप नहीं है, ये कसाय का स्वरूप है। तुम्हें ऐसी कसाय होगी तो तुम यही करोगे। कसायों का स्वरूप ही ऐसा है। उठरवल जी ने तीसरे अधिकार में कसायों का स्वरूप लिखा, चार समूह के उदय से होने वाली अवस्था और वो दुख और उनसे निवृत्ति का उपाय लिखा है। दूसरे अधिकार में उनसे केवल अवस्था लिखी। तो जब क्रोध का उदय होता है तब ये जीव मर्म से भी गाली आदि वचन बोलता है, पर पदार्थों को अनिष्ट मानता है, अचेतन को तोड़ फोड़ करके खत्म करना चाहता है, चेतन को हटाना चाहता है। हरिया तुम यहां से सामने, हरिया, अरे अपने से बोल, अपनी दृष्टि हटा ले। और कह रहा है हरिया, ये कह रहा है अपनी दृष्टि हटाता नहीं है, अपनी मान्यता बदल नहीं रहा। कैसे हरिया है? ये बताओ, ज्ञान में केवल ज्ञान में तुम्हारी जल कह सके नहीं, तुम ज्ञान को हटाना चाहते हो, हटो सामने। ये क्रोध का स्वरूप है, तुम्हें क्रोध आएगा तो तुम भी यही बोलोगे, हरिया सामने, हमें क्रोध आएगा तो हम भी यही बोलेंगे, तो इन्हें क्रोध आएगा ये भी ये बोलेंगे। तो क्रोध ये स्वरूप है उसका, एक होता है स्वांग, एक होता है स्वरूप। स्वांग माने क्षण क्षण बदलता है और स्वरूप माने नहीं बदलता। कोयले को धो धो करके सफेद नहीं किया जाता, वो तो उसका स्वरूप है, जितना धोगे काला 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 काला
उस कोयले का ही रंग निकला और क्या हो। सफेद करने के लिए क्या उपाय, कोई उपाय है? वो कोयला न रहे, जल करके राख हो गई। काले कोयले की राख भी कैसी होगी, काली होगी, सफेद हो। लेकिन याद रखना कोयले का स्वरूप काला है, कोयले का स्वरूप काला है, फिर ये सफेद राख हो गई कि अब कोयला कहाँ है? अब इसको पूछ लो किसी से, क्या किसी से पूछो ये क्या है, राख है, कोयला कहाँ है? और राख सफेद ही होती है। तुम्हारा अज्ञान दूर हो जाएगा, तुम्हारा दुख दूर हो जाएगा, तुम्हारा राग मिट जाएगा, तुम्हारा दुख मिट जाएगा। ये स्वरूप है, रागादिक भावों का स्वरूप है, ज्ञानादिक को भातेगा और दुख को उत्पन्न करेगा। जहां हो गए वही स्वरूप है। क्या पत्थर का स्वरूप है वो नहीं झुकेगा, वेद का स्वरूप है वो झुक जाएगा, विनय का स्वरूप है झुक जाएगा, अनंतानंदी मन होगा नहीं झुकेगा, टूट जाएगा झुकेगा नहीं। कभी कभी गांव की भाषा में बोल लेते रस्सी जल जाए है ढंग जाए, वो ऐसी है दम नहीं उसमें, लेकिन एड यहां की दम ऐसी गई और जल गई पूरी। ऐसे आप सोचो धन का मत, धन न रहने पर नहीं रहेगा, ऐसा मत सोचिए ना। ज्ञान का मत ज्ञान रहने पर नहीं, ज्ञान न रहने पर नहीं रहेगा, ऐसा मत सोचना। उसका रूप बदल जाएगा, अभिमान छोड़ करके दीनता आ जाए। पहले सोचता था हमारे पास बहुत कुछ है, अब सोचेगा मेरे पास कुछ नहीं। यहां बैठ करके सोचता है मैं बहुत बड़ा, सोचिए जी नीचे बैठिए, और यहां बैठे भैया हमें को पूछा तू हम क्या करें, हमें को पूछ रहा हूं तो दींदा है आई, अभिमान नहीं आया। इधर झुकोगे तो दीनता और इधर झुकोगे तो अभिमान, सीधे नहीं होगे। और हमारे यहां ऐसी भाषा बोलते, सीधे बैठो, सीधे बोलो, सीधे चलो, सीधे बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? तो ये स्वरूप है भैया, और स्वरूप बदला नहीं जा सकता। आप सोचो कसायों का ये स्वरूप ही क्या? कसाय ज्ञान का घात, ज्ञान का घात करेंगे तो भाई बुद्धि काम नहीं देगी, उल्टी उल्टी चलेगी। मन का स्वरूप है नहीं मानेगा, माया का स्वरूप है छिपाएगा, लोक का स्वरूप है देख करके जलेगा, जाएगा ईसा का स्वरूप है। और ध्यान रखना, कल जो परसों एक बात कही थी, आश्रय भले दुख के कारण हो लेकिन आश्रय का ज्ञान दुख का कारण नहीं। स्वरूप में जो दुख है उसका स्वरूप है आकुलता, लेकिन दुख का ज्ञान सुख का कारण है। ध्यान रखना, जैसे बीमारी का निदान निरोगता का कारण है कि रोग का कारण, बीमारी का जो निदान हो गया, निदान का क्या है? निदान होने किस कारण से ये बीमारी हुई, निदान का मतलब कारण, तो कारण का ज्ञान हो गया इसका नाम निदान। तो बीमारी के कारण का ज्ञान हो गया, अब बीमारी दूर करने के लिए बिल्कुल सही समझ में आ गई। अभी तक समझ में नहीं आ रही ज्ञान क्या बात है, तुम्हारी समझ में नहीं आ रही ज्ञान क्यों दुखी है, ज्ञान क्यों दुखी है, हमें जाने कौन दुखी कर रहा है। एक भाई ये बोले समझ में नहीं आती, दवाई खाते तो कुछ फायदा नहीं हो और कुछ काम कर, हमें तो ये लगा था ऊपर ही चक्कर है।
भैया कैसी बातें सोचते हो, ये सब चक्कर ऊपर ही है, दवाई भी ऊपर ही है, सब चक्कर ऊपर ही है, अंतर यही ऊपर ही ज्ञान ये बिरा गया। चलो कोई बात नहीं, ऊपर ही चक्कर है, कोई बात नहीं, अगर ऊपर ही चक्कर है तो उसको मिटाने का भी यही उपाय है, भीतरी दृष्टि। ऊपरी चक्कर को दूर करने का उपाय भी भीतर चक्कर लगा, भीतर घूमो, तू था अपने को मोक्ष पर। अरे भीतर आ जाओ तो बहुत सुंदर बात है, फिर कोई ऊपरी वाले का जोर नहीं चलेगा। हम ये कहते भीतर का तत्व बताने वालों के पास ही आ जाओ, कम से कम नहीं चलेगा। एक बार देवी देवता इकट्ठे हो गए और थोड़ा ज्ञान का प्रसार हो गया तो बेचारे घोड़ा अब हमें को पूछेगो, अब हमें को पूछेगो, हम का करें। सुझा करके परम ब्रह्म के पास पहुंच गए, हिंदू दर्शन का दृष्टांत है, परम ब्रह्म के पास पहुंच गए। महाराज क्या करें, अब हम कहा जाए तो क्यों, क्या बात है, एक घर घर में ज्ञान का प्रसार है, सब परम ब्रह्म को भज रहे हैं। अच्छा तो उन्होंने एक लाइन कही है, जागर मेरा नाम नहीं है तागर लूटो का, जहां हमारा नाम भी होगा वहां तो नहीं घुस सकते, ध्यान रखना। जिनका नाम ग्रहण भी अच्छा है, सिपाही आ रहो बच्चा एकदम, गुरुजी आ गए एकदम, ऐसे जिनदेव जिस घर में आएंगे मानसंग स्वामी ने लिखा है भक्तामरि सूत्र में, भाई उनसे भय करके भयभीत होकर के भागते, भय उनसे भयभीत होकर के भागते हैं जो जिनदेव के भक्त हैं। अभी तुम्हें जिनदेव की भक्ति नहीं है, तुम कहते हो क्या करें, भक्ति बहुत है शक्ति नहीं है, हम कहते शक्ति तो बहुत है अनंत है, भक्ति नहीं है दृष्टि नहीं है। इस मिथ्या ज्ञान में जो दुख का कारण कहा, उस मिथ्या ज्ञान में तीन भेद कहे, कारण विपर्य, स्वरूप विपर्य और भेद आदि। तो विपर्य का अर्थ होता है विपरीत, स्वरूप विपर्य का मतलब हो गया हम जो मानते सो सब विपरीत, हमारा विपरीत समझना ही दुख का कारण है। जानवर कैसे खड़े रह गए, वो ठूंठ को आदमी समझ बैठे, तुम घुसे चले गए और वो वहीं खड़े रह गए जानवर, क्यों, वो ठूंठ को आदमी समझ। पूजपा स्वामी ने समाज तंत्र में दृष्टांत दिया, ठूंठ को आदमी समझने वाले बेचारे वहीं बाहर खड़े दुखी, और जब ठूंठ में आदमी का भ्रम दूर हो गया, अरे ये आदमी नहीं ये तो ठूंठ है, निशंक होकर के प्रवर्तन। आदमी और ठूंठ की बात नहीं है, ये तो दृष्टांत है, बात तो दे ये मैं नहीं हूं, ये मेरा नहीं, सवेरी चर्चा की थी हम। कुंद महाराज क्यों कह रहे हैं, बैराग से पहले की चर्चा है, हमें यहां अच्छा नहीं लगता, क्यों, यहां हमें अपना नहीं दिखता, अपना दिखेगा सो ही अच्छा लगने लगेगा, और अपना नहीं दिखेगा तो अच्छा कहां से, दोनों एक साथ। आत्मा कहीं चला नहीं गया,
जैसा का तैसा है, लेकिन आत्मा में अपना तो नहीं आया, बस ये दुख का कारण। और दो कार्य नहीं है, एक अंधकार एक प्रकाश, ऐसा दो नहीं है। और एक प्रकाश करने का उपाय करना पड़ेगा, एक अंधकार को भगाने का उपाय करना पड़ेगा, दो नहीं करने पड़ेगा। प्रकाश होगा अंधकार भगेगा, भगाना नहीं पड़ेगा। ऐसे विभाव नाचने नहीं पड़ेंगे, स्वभाव समझोगे तो विभाव नाचेंगे। विभाव असत होने से हमें इसकी चिंता नहीं है, क्यों? सतत मन भवम हो, हम निरंतर अपने स्वभाव को अनुभव। स्वभाव नहीं समझा तब तक ही विभाव है, ये जितना जो कुछ करें सो करें। यथार्थ समझ लेना, उसके बाद में फिर तुम करना। दोष को दोष समझ लेना, फिर दूर मत करना। गुण को गुण समझ लेना, फिर प्रकट मत करना। एक दर्शन दिया था दिन पहले, अरे एक फल बेचने वाला भी ये कहता, चख ले भैया लेना मत, तो क्योंकि वो जानता अगर चखेगा तो फिर, अरे भाई दे दो, नहीं तो एक किलो दे दो, दो किलो दे दो, आधा किलो दे दो। चख लिया, चखा नहीं है तब तक, ऐसे इसका स्वाद चखा नहीं है, इसलिए ये सब कठिन लग रहा है, ये सब पराधीन लग रहा है, ये सब ऐसा लग रहा है। भैया क्या करें, क्या करें, यहां करने के लिए गुंजाइश ही नहीं, क्या करें। एक पहले चर्चा की थी हमने आपसे आगे, देखो जब तुम्हारे अंदर में हमें क्या करना ये प्रश्न उठे, तो तुम ये सोच लेना हमें अपना कल्याण करना। इनसे भैया से गलती हो गई, भैया बोले भैया क्षमा करो क्षमा करो क्षमा करो। हमने कहा भैया क्षमा तो हम करेंगे क्यों, हमें अपना कल्याण करना है, क्रोध से तो कल्याण होगा नहीं, क्षमा बिना कल्याण कैसे हो। हम तो क्षमा करेंगे, लेकिन हमारी क्षमा से तुम्हारा भला नहीं होगा। गलती हो गई क्षमा करो, गलती हो गई क्षमा करो। अरे गलती स्वीकार करो, गलती को दूर करने के लिए सही को समझो, क्षमा मांगने से काम थोड़ी चलेगा। आयु कर्म बंध गया, कुगति बंध गई, और उस गति का प्रसंग सामने आ गया। अब तुम कहो भैया क्षमा करो क्षमा करो क्षमा करो, गलती हो गई गलती हो गई, गलती हो गई तो अब उसका दंड भोग लो, उसकी बात क्षमा हो जाए। जैसे ड्राइवर सड़क से चला रहा था, तो उसे कुछ उसने गाड़ी आगे बढ़ा दी, लाइट बंद थी, अब पुलिस वाले ने रोक दिया। हम बैठे थे तो हमने कहा भैया कोई बात नहीं गलती हो गई, तो महाराज गलती तो हो गई, गलती की दंड होता है, क्षमा थोड़े होती है। बात तो सही है भाई, बात तो सही है, उसका क्या करोगे जो कर्म बंद हो गया तुम्हारा। तुम कह दिया गलती हो गई, वो गलती समझी है नहीं, सबसे बड़ी बात है। शाम को फिर गलती, सवेरे फिर गलती, शाम को फिर गलती, सवेरे फिर गलती, गलती समझी नहीं है तुम्हें, उसको गलती को सही था, इसमें क्या हो गया। और हम जानते पीछे से ही कह रहे जाते गलती, गलती केवल खुश करने के लिए, प्रवचन कराने के लिए, अपने अनुकूल परिणमाने के लिए, रोटी खिलाने के लिए। गलती हो गई गलती हो गई गलती हो गई, और बस जो खाली बस खत्म, अब क्या गलती कचुरी। ये निकटवर्ती समझने वाले लोगों का भारी भ्रम है, भारी अज्ञान है, उन्हें कभी अपनी गलती दिखाई नहीं दे रही। गलती गलती हो गई, अरे गलती हो गई तो भैया क्या गलती हो गई। गलती नहीं है तो गलती बैठी है, हमने तो वैसे ही कह दी थी, क्या गलती है तुम्हारी, अब पता ही नहीं।
जो सही नहीं है उसका नाम गलती है, ध्यान रखना। अगर हम पढ़ करके नहीं आते, जा करके विचार नहीं करते, करने योग्य कार्य का उद्यमी नहीं करते, निंद कार्यों का त्याग नहीं करते, तो ये हमारी गलती है। श्रोता के स्वरूप में ये नहीं लिखा। ये बहुत बड़ी गलती है अगर हम इस कान सुन करके इस कान निकाल रहे, अनसुनी कर रहे। करने योग कार्य का उद्यम, तो जब स्वरूप विपर्य की चर्चा, एक दिन कारण विपर्य की चर्चा तो हमने आपसे की थी कि मूल कारण को नहीं जानता, केवल बाह्य कारणों को जानता है। जैसे कुत्ता केवल लाठी को पकड़ता है, उस व्यक्ति को नहीं देखता। अरे हमारे संविधान में भी, कानून में भी सजा आदमी को मिलती है कि उस बंदूक को मिलती है? उठा करके पत्थर मार दिया तो पत्थर को सजा मिलेगी कि आदमी को सजा मिलेगी मारने वाले? लोक में आप चतुर हो तो परमार्थ में क्यों मूढ़ हो? इंद्रिय सुख का स्वरूप इंद्रायण फल जैसा है, ऊपर से देखने में सुंदर लगता है, भीतर देखो जाको, देह के स्वरूप का, भोगों के स्वरूप का, वैभव के स्वरूप का, वैराग्य भावना में वैराग्य परक चिंतन है। देह अपावन, अखिर घिनावन, और क्या लिखा भीतर, ये देखत यासम जग में अवर अपावन तुम। नहीं, भीतर से देख ले, यह संसार महाबल, जो संसार विषय सुख हो तो तीर्थंकर क्यों? हम कहते हैं अगर आत्मा में सुख नहीं होता तीर्थंकर क्यों लग दी? तीर्थंकर संसार को छोड़कर के आत्मा हित में लगे क्यों लगे कि आत्मा सुख है? तुम इतना नहीं समझ पाए, कहते हो परम सुखी, परम सुगुण, अनंत सुख, अनंत सुख कह रहे हो, और क्या है उनके पास, कौन से विषय है? अरे अनंत सुख अगर तुम इन्हें मानती हो कि भगवंतों को अनंत सुख है, तो इस बात को भी मान लो विषयों के बिना सुख होता है। सुख के लिए विषयों की जरूरत नहीं। प्रवचन सार जी में तो एक और अद्भुत बात कही, अतीन्द्रिय सुख की बात तो अद्भुत है, वह तो बिना सुख विषयों के होता ही है, लेकिन इंद्रिय सुख में भी विषयों में सुख मानता है, सुख मिलता नहीं। एक कल्पना ही तो है, स्वयं ही इच्छा की और स्वयं ही सामग्री के अन्न में आई और स्वयं ही सुख मान लिया। अच्छा बताओ, आपकी भाषा बोले देते हूँ, बोलना नहीं चाहिए, मजा आ गया, आ गया तो अब चुप रहना, फिर आगे क्यों बढ़ते हो? आज तो तृप्त हो गए, पेट पे हाथ पे रहे, हमने ये बहुत अच्छी बात रही, अब शाम को कुछ करना नहीं है। लेकिन तृप्त हो ही गए और मुझे कहा शाम को क्या था, अब शाम को क्या हो, इसका मतलब तृप्त झूठी है चीज। अगर तुम तृप्त हुए होते तो शाम की चिंता कैसे आ जाती? और तुम्हें शाम की चिंता हुई है तो इसका मतलब है तृप्ति झूठी है, तृप्ति नहीं है। एक विषय को छोड़ करके दूसरे विषय में प्रवृत्ति की जो इच्छा है वह दुख का चिन्ह है। एक वैद्य बदल करके दूसरे वैद्य को दिखाने आते हो, इसका मतलब है आपको उस वैद्य के इलाज से कोई फायदा नहीं। अगर फायदा होता तो फिर वैद्य क्यों बदलती, औषधि क्यों बदलती? अगर वैद्य नहीं कहता औषधि बदलो तो कहते वैद्य वही दवाई दे कल बाद।
व्यक्ति परिवर्तन जो तुम्हारा चल रहा है, विषय बदल रहे हो, करवट बदल रहे, इसका मतलब नहीं मिला। करवट बदल रही हो इसका मतलब है सू नहीं है, विश्राम नहीं है। अगर विश्राम होता तो करवट नहीं बदलती, थकान नहीं होती तो ये इस हाथ का और हाथ में सामान नहीं लेती, कंधे पर नहीं रखती, कंधा नहीं बदलती। तो अगर सुखी होते तो विषय नहीं बदलती, ये समझ लेना। और विषयों के बदल बदल करके सुखी होना चाहते हो, ये मान्यता झूठी है। ये इंद्रिय सुख का स्वरूप है, कर्म पर बसी शांति, दुखे अंत तो दे पाप बीजे सुखे ना चाहत दाना कांटे। टीकाकार पंडित जी लिख रहे सदा सुखदास जी, इंद्रिय सुख अनेक प्रकार से पराधीन है, अनेक प्रकार से पराधीन। और से तुम स्वाधीन मान बैठे, सुख मान बैठे, ये स्वरूप है इंद्रिय सुख का। सुख जैसा लगता तो है लेकिन सुख है नहीं। कभी बताया था कोई दृष्टांत, समय हो गया, देखो नकली घी होता है, कुछ नकली घी का डिब्बा देखा तुमने, उस पर क्या लिखा होता है, शुद्ध वनस्पति तेलों से बना। तो तेल से बना हुआ तेल ही तो होगा, घी कहां से आया, और घी हो तो वह नकली कैसे कहेंगे। घी है नहीं और नकली घी कह रहे क्यों, इसका क्या मतलब। घी जैसा दिखाई देता है लेकिन घी नहीं, नकली सोना, सोने जैसा दिखाई देता है सोना नहीं, ठीक है ना। अब आप समझ लेना, ऐसी नकली सुख, सुख जैसा दिखाई देता है लेकिन सुख, यहां से आप प्रयोजन भूत को शुरू करो। प्रयोजन सुख है ना, तो सुख का प्रयोजन है तो पहले सुख का निर्णय करो। जो सुख के संबंध में भ्रांति है, मैंने एक लाइन आपसे कही थी दो दिन पहले, बोलो, इंद्रिय सुख को सुख मानने वाला कभी सुखी नहीं होता। इंद्रिय सुख को सुख मानने वाला कभी सुखी नहीं होता। इंद्रिय सुख मानने वाला मिथ्यात्वी है, अज्ञानी है, असंयमी, और वर्तमान में भी दुखी है और आगामी भी। इसलिए तो विष से अधिक दुखदायी लिखा है, विष और विषधर और अग्नि, ये तो वर्तमान में एक ही भव का नाश करने वाली है, लेकिन तो ये भोग तो भव भव में दुखदायी। तो इंद्रिय ज्ञान, इंद्रिय शोक इसका स्वरूप है। इंद्रिय ज्ञान का स्वरूप है मद होगा, इंद्रिय ज्ञान बाहर में घूमेगा, बाहर लगेगा, बाहर भटकेगा, बाहर ही भटकाएगा, ये इंद्रिय ज्ञान का स्वरूप है उसका। हम ये कह रहे हैं अभी तुम नहीं पढ़े तो एक भी ग्रंथ मान लो तो तुम्हें जिज्ञासा होगी, और दो चार पढ़ लिए तो तुम्हें समझ लो, फिर सुनने की मन नहीं लगेगा, ये तो हम जान रहे हैं, हमने सब पढ़े। अरे तुम हमें क्या बताओगे, हमें ग्रंथ पढ़े, हमने शास्त्र पढ़े, आए बिना रहेगा नहीं। प्रभुता पाए काय मद नहीं, बोलो उत्तर। ये तो सुन लिया होगा तुमने, सुन लिया होगा, प्रभुता पाए काय मद नहीं, अरे निज प्रभुता जन देखी नहीं। प्रभुता पाकर के किसको मद नहीं होता, मद होता ही है, लेकिन जिन्होंने निज प्रभुता देखी है उन्हें छह खंड की प्रभुता क्या, तीन लोक की प्रभुता मिल जाए तो अभी मद नहीं होता। छह खंड की प्रभुता, चक्रवर्ती और इंद्र तो ऐसे हाथ जोड़े खड़े हुआ,
और तो भी मद नहीं होता। और तुम्हें चार छह कागज मिल जाए, ककड़ियां मिल जाए, कंकड़, तो ये समझते हो कि हम जाने कितने बड़े आदमी। अपनी प्रभुता नहीं देखी इसलिए वो प्रभुता का मद हो रहा है। और सुनो, अपनी प्रभुता नहीं देखोगे तो प्रभुता नहीं रहेगी तो भी मद होगा। कई लोगों को आपने ये बात कहते सुनता सुना होगा, अरे हम गरीब आदमी तो अपने घर तुम्हें कल घर मंग भी आ रहे हो, मन गरीबी में मन का मीठा बोलो, हमको कल मंग भी आ रहे तुम्हें घर पर रोटी पर खा भी आ रहे का, तुम बड़े आदमी हो गए अपने घर के, हम गरीब अपने घर के तुम्हें खा लेने। अब बताओ क्या है? अरे मूल वो धनी नहीं है, तू गरीब नहीं है, वो भी जायक है तू भी जायक है। ज्ञान धन से धनवान है और ज्ञान धन से वह भी धनवान है। गरीब वह है जिसे सोचने समझने की शक्ति नहीं। जब तुम्हें सोचने समझने की शक्ति मिल गई, हित हित का ज्ञान हो गया, अब तुम गरीब नहीं हो, अज्ञानी नहीं। जिसे प्रयोजन भूत तत्वों का ज्ञान नहीं है वह अज्ञानी है, जिसे प्रयोजन भूत तत्वों का ज्ञान है वो समझ लो ज्ञानी हो। उस दिन दूल्हा ने सुनाई थी कर, अनेक अंतमय वस्तु स्वरूप स्याद बादमय श्री वाणी, शुद्धातम का अनुभव करते वे ही होते सम्यक ज्ञानी। बाहर का ज्ञान नहीं है तो भी सम्यक ज्ञानी, और इन्हें बाहर का ज्ञान है तो भी मिथ्या ज्ञानी। क्यों? बाहर के ज्ञान को ज्ञान मान बैठे हो, ज्ञान है नहीं। सच बात यह है, और यही हमारे दुख का कारण है। क्या? मिथ्या ज्ञान। जब मिथ्या ज्ञान दुख का कारण है, ये निदान हो गया, डायग्नोसिस हो गई, अब क्या करना है? ज्ञान के छह उपशम को बढ़ाने में मत लगे रहो, ज्ञान को सम्यक बनाने के उपाय में लगे रहो। एक सांस पढ़ा, दो सांस पढ़े, तीन सांस पढ़े, चार सांस पढ़े, पचास सांस पढ़े, पांच चार नाम ले, ठीक है ना? जो जैसे कि तैसे अज्ञानी, क्यों अपने को तो जान, और अपने को जान लिया, सब सांस पढ़ लिया, लेकिन स्वर्ग में नहीं। ध्यान रखना, अपने को मन में आत्मा हुए, ये अहंकार की जरूरत नहीं है। अपना हित अहित जानना चाहिए, हित के कारण अहित के कारण जानना चाहिए। विचारना भाई, तत्व ज्ञान के बिना कोई सुखी नहीं होता, कहीं सुखी नहीं होता, कभी सुखी नहीं होता। या में सुख नहीं लगा रहा, या में सुख अपरम पारा, दोनों में अंतर समझ लिया। संसार में लगार जितना भी सुख नहीं है, जैसे संसार में सुख नहीं है ऐसे समय सार में दुख नहीं है। ऐसे बिल्कुल सच्ची बात है। बाहर में सुख नहीं है, घबराओ मत, बिल्कुल बिल्कुल घबराओ मत, अंतर में दुख नहीं। ओम नमः सहजानंदी सोत सरू अभिना